आज का वीडियो ना ये होने वाला है कि व्हील कवर लगाने के बाद ही क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं अपनी बाइक में, क्या एडवांटेज रहते हैं डिसएडवांटेज रहते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यही बताने वाला हूँ कि भाई कि व्हील कवर लगाने के बाद क्या दिक्कत आती है बाइक में। बाइक में पता कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे पता है कि भाई मैं अपनी बाइक में कैसा पैसा जोड़ जोड़ के अपनी बाइक में खर्चा कर रहा हूँ। तो वही है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम पे। कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत देख रहे हो, शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लोकेशन पीछे देख सकते हो कितनी प्यारी सी लोकेशन है। मेरी यूट्यूब फैमिली को, बिश फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रे करता हूँ कि यार कि इस साल अच्छी मेहनत करूंगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस साल, तो आप ज्यादा सपोर्ट चाहिए। काफी दिन हो गया, काफी दिन से वीडियोज नहीं आ रही थी। आपको एक चीज बताओ ना, सही क्यों नहीं आ रहे थे? सो गाइस, एक्चुअली में ना मेरा दोस्त का ना भाई काफी गंदा वाला सीन हुआ ना, खुदकुशी करने वाला था, बताया ब्रेकअप। ये तो चलता रहता है, बट वाला प्यार था इसलिए यार ना थोड़ा सा खराब हो रखा था और दिल टूटा रहता है ना किसी लड़की के साथ के, तो भाई भाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ साल में मैंने एक वीडियो बनाई, वो व्हील कवर के ऊपर बनाई थी मैंने, व्यूज बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो थोड़ा सा मौसम भी खराब हो रखा क्योंकि यार चंडीगढ़ में बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है भाई, क्योंकि आशु भाई की गर्लफ्रेंड होगी। भाई मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में भाई, अब प्यार आज के टाइम में ना सच्चा प्यार कुछ नहीं है भाई, सब इन चीजों में रखा हुआ, बस अपना फ्यूचर बनाओ, पैसा कमाओ, बाकी और कुछ नहीं यार, मौज करो, बाकी एंजॉय करो यार। यार है कि अपनी बाइक से प्यार करो, लड़कियां तो चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी, एक आएगी दूसरी आएगी, यही टाइम होता है आपके पास कुछ करने का कि छोड़ो इन चीजों के लिए। मैंने उसको बहुत कुछ समझाया उसको कि भाई छोड़ो यार, मूव ऑन करो, जो हो गया सो हो गया, अपनी लाइफ में मतलब कि अपना फ्यूचर बनाओ, बाकी लड़कियां तो आती रहेंगी। मैं इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज आते कि यार कि भैया लड़की के साथ वीडियोज बनाया करो। भाई मैं सही में बताऊँ ना, ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ वीडियोस में, आपने देखा होगा एक वीडियोस बनाई मैंने, वो भी मेरी फ्रेंड है, तो उसने बोला था कि यार कि वीडियोस बना ले अपलोड कर देना। मैं लिटरली मैं वीडियोस डाल नहीं रहा था, बट उसने बोला कि यार चल ये वीडियोस डाल देना, तो इसलिए मैंने तुम्हारा भाई ने वीडियोस डाली है, और बाकी कुछ नहीं, ओनली फ्रेंड है भाई। तो इसलिए यार कि लड़की के चक्कर में तुम्हारा भाई पड़ता नहीं है, और यही है मेरी सब कुछ है और इसी से प्यार करता हूँ, बाकी यही आगे लेके तक जाएगा, बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चल तो भाई जो मर्जी हो जाए, 50,000 सब्सक्राइबर करने ही करने हैं, बाकी यार मेहनत मैं करूँगा, बाकी आपने सपोर्ट फुल करना है भाई, लोगों ने सपोर्ट करते जाना है। तो चलो यार ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, और इतने दिन से वीडियोस की नहीं आ रही थी वो भी बता दिया मैंने, और आज का व्लॉग ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बिकॉज देखो लास्ट वीडियो आपने देखे होगी कि व्हील कवर लगाया था अपनी बाइक में मैंने चंडीगढ़ से 21 सेक्टर से, और लगाने के बाद ना कम से कम एक हफ्ता हो गया मैंने। तो चलो यार शुरुआत कर देते हैं, आज का वीडियो ना ये होने वाला है कि व्हील कवर लगाने के बाद ही क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं अपनी बाइक में, तो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यही बताने वाला हूँ कि भाई कि व्हील कवर लगाने के बाद क्या दिक्कत आती है बाइक में, और क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है आपको, और क्या बेनिफिट रहेगा व्हील कवर लगाने के बाद। तो पहले सबसे पहले बात ये, आज व्हील कवर फुल वाला लगा रखा है, ये कम से कम 900 रुपये का है, ये चंडीगढ़ में आप जा सकते हो, पूछ सकते हो किसी के पास भी। तो चंडीगढ़ में मैंने 21 सेक्टर में गया था, तो जावेद भैया के पास गया था, तो उन्होंने कहा 900 रुपये का ये है, और आगे वाला क्या बोलते हैं 300-400 रुपये का था दोनों साइड का। मेरा टोटल जो खर्चा आया था 1500 रुपये का आया था, आगे वाले में भी फुल लगा सकते हैं, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने आगे पीछे वाले में फुल लगाया और आगे वाले में हाफ लगाया। तो ये था कि इसके लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ जाता है मेरी बाइक में। सो क्या सबसे जो इफेक्ट पड़ा ना मेरे को, सबसे पहले भाई इसकी ना पावर कम हो गई है सही में। एक हफ्ते में मैंने चला के देख लिया कि भाई क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि यार मेरा हेलमेट का माउंट टूट रखा था इसलिए यार मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार कि क्या साइड इफेक्ट आया मेरे को चलाने के बाद एक हफ्ते में। मैंने इसकी टॉप एंड स्पीड भी चेक करनी है कि इसके लगाने के बाद कि टॉप एंड स्पीड कितनी तक भागती है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं फर्स्ट गियर में देखो 40-45 पकड़ती थी फर्स्ट गियर में, बट अभी ये फर्स्ट गियर में 30 तक। भाई इसकी पावर ना बहुत ही कम हो गई है, सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि पावर कम हो गई है। सेकंड ये है कि आप जैसे गाड़ी लीन करते हो ना तो टर्न मोड पे आता है, जैसे मोड आता है ना तो वहाँ पे ना बाइक का क्या बोलते हैं होता है ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे मैं लीन करता हूँ ना तो डिसबैलेंस बबलिंग से मारने लग जाती है, आप चलाते हो ना तो बबलिंग होती है भाई, मतलब ऐसे ही इफेक्ट हो सकता है आपके बाइक में, सबकी बाइक में। मैंने देखो पर्सनली डिसीजन बताऊँ ना कि भाई मेरी बाइक में जो दिक्कत आ रही है मैं वो चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है जी। माइलेज में भी इफेक्ट पड़ेगा भाई आपकी बाइक में, क्योंकि देखो माइलेज ना मेरे को जो पहले दे रही थी कम से कम 35 की, अब वो दे रही है मेरे को 30 की दे रही है। मैंने चेक करा था इसका भी भाई कि मतलब सिस्टम में कि भाई कि व्हील कवर लगाने के बाद माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ा मेरा। दो चीज़ तीन चीज़ें मेरे को ख़राब लगी, पावर कम होगी बाइक की, सेकंड माइलेज कम होगी है, थर्ड ये है कि क्या बोलते हैं बबलिंग मारती है पीछे वाला टायर, मतलब ऐसे ही बबलिंग से मारने लग जाते हैं। आप जैसे लीन करते हो ना लीन करने के टाइम पर दिक्कत आएगी आपको, बट इसका लगाने के बाद ना अलग ही लुक आती है बाइक, तो भारी लगी, हल्की सी भारी लगी मेरे को
मतलब लगा लो आप 5 kg, तो मेरे को थोड़ी सी भारी लगी पता है, तो मतलब कि काफ़ी अच्छी लुक भी देती है यार बाइक पे ना। तो वही चीज़ है कि व्हील लगाने के बाद ये इफेक्ट पड़ जाते हैं, और एडवांटेज डिसएडवांटेज ही रहता है। तो मेरे को यार काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा पावर का फ़र्क पड़ा मेरे को। और आप चलाते ना रोड पे, जैसे आप स्पीड भगाते हो तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ है कि लगाने के बाद, व्हील कवर लगाने के बाद ये साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं बाइक में। ये आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप, देखो लुक तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बाकी आप देख सकते हो लुक कैसी है। कवर लगाने के बाद ना आप ये कह रहे हैं कि टेल टाइट आप निकाल दो भाई, दूसरी वाली लगा दो आप, जल्दी लगाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो ये इसमें भी काफ़ी अच्छी लुक देती है, आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लुक दे रही है टेल टाइट। और टेल टाइट भी देखूंगा यार कि निकालूंगा, तो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम कराएंगे चेंज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कराएंगे बाइक में भाई। और एग्जॉस्ट लगाने का कोई बात नहीं है, साइलेंट बाइक ना काफ़ी अच्छी नहीं लगती है। अगर पैसा आ जाएगा उसके बाद ज़रूर हम एग्जॉस्ट लगाएंगे, फिलहाल तो कंपनी का जो एग्जॉस्ट है वो सुना देता हूँ एक बार, एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं आपको कि भाई कैसे साउंड आती है। तो इसका साउंड सुना देता हूँ, देख रहे हो ऐसी आवाज़ आ रही है। ये कंपनी एग्जॉस्ट है भाई, देख रहे हो छोटा सा, तो फिलहाल तो ये है। और अभी तक मैंने कितना किलोमीटर चला ली है एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये है देख 4500 किलोमीटर चला ली सिर्फ 4 महीने में। अभी इसकी सेकंड सर्विस भी आने वाली है, अभी 3940 किलोमीटर रह रखा है, तो सेकंड सर्विस भी इसकी जल्दी आने वाली है। तो भाई कोई बात नहीं, सेकंड सर्विस के बाद देखते हैं। और अभी तक जो मेरे को भाई RPM पता नहीं, इसका ना लिमिटर आ जाता है भाई, जैसे 135 के बाद ना इसका लिमिटर आ जाता है। तो एक इशू ये है कि इससे जो पुराना मॉडल था ना BS4, तो भाई वो तो 140 भाग जाती थी, तो वो BS7, तो इसको BS7 ही कह सकते, BS6 ही है पर एक तरफ से बोला जाता है तो BS7 है। तो इसके टॉप एंड स्पीड 135 के बाद लिमिटर आ जाता है, तो ये दिक्कत है। और बाकी यार गाइस यार भाई साफ सपोर्ट करते जाना, उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या क्या अपनी बाइक में इंस्टॉल करूंगा। मैंने इसके बाद ना टेल टाइट चेंज करवानी है, फिर उसके बाद रैप करवानी है, उसके बाद एग्जॉस्ट लगाऊंगा बाइक में। बाकी यार आज का ब्लॉग कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप कमेंट में जरूर कर देना कि बाइक अच्छी लग रही है कि बेकार लग रही है, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। एक नोटिफिकेशन होगी, आप कंटिन्यू देखते रहना, जुड़े रहना आप मेरे ब्लॉग में। और बाकी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले भाई, नया साल है तो भाई नया साल में फुल मेहनत करेगा आपका भाई, इससे तो परेशान हो गए भाई, क्योंकि सुबह के टाइम पे बिल्कुल उठा नहीं जाता है, तो वही टाइम निकाल के फिर अभी देख रहे हो टाइम निकाल के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे सही में गाइस, मैं चीज़ शेयर नहीं करना चाहता अपनी पर्सनल लाइफ, बट आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो भाई मेरी फैमिली हो आप, मैं एक तरफ से अपनी फैमिली मानता हूँ आपको। लाइफ में पता कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे पता है कि भाई मैं अपनी बाइक में कैसा पैसा जोड़ जोड़ के अपनी बाइक में खर्चा कर रहा हूँ, तो वही एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम पर। और तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं बाकी और कुछ बोलना नहीं चाहता यार, क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा बोलने वाला इंसान लगता नहीं मैं, बट यार फिर भी मैं कैमरे के सामने फेस कर रहा हूँ धीरे धीरे। देखो सीखता बंदा, एकदम कोई सीखता नहीं है, तो अभी तो फिलहाल तो कैमरा भी पकड़ने लग गया, बोलने भी लग गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई है, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। ऐसा आप सपोर्ट करते जाना और अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो कोई नहीं यार एक दिन सुपर बाइक भी ले लेंगे। आप कहते ना सुपर बाइक ले लो, तो सुपर बाइक भी ले लेंगे एक दिन ज़रूर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं। और यहीं पर ब्लॉग एंड कर देते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।